टीवी मैं हूं आपके साथ निशा। छत्तीसगढ़ सत्ता पक्ष व विपक्ष के राजनेताओं से कोरोना जैसी महामारी व छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लागू की गई किसान न्याय योजना पर राजनेताओं से डीएनएक्स टीवी के संवाददाता दयाशंकर तिवारी ने की ग्राउंड रिपोर्टिंग। रिपोर्ट देखने से पहले आइए सुनते हैं प्रदेश के मुखिया ने किसान न्याय योजना के शुभारम्भ अवसर पर क्या कहा। पूरे प्रदेश में जो 12-13 लाख जो हमारे वनांचल में रहने वाले परिवार हैं, उनको इस वर्ष लगभग 2500 करोड़ का लाभ मिलेगा, यानी कि प्रति परिवार 20,000 रुपया वार्षिक लाभ इससे होगा। आपको पता ही है कि तेंदूपत्ता 4,000 प्रति मानक बोरा के दर से हम लोग खरीद रहे हैं, उसी प्रकार से महुआ जो 17 रुपया समर्थन मूल्य था उसे बढ़ा के 30 रुपया किया, इमली हमने खरीदा, और इस प्रकार से लोगों के आय किस प्रकार से बढ़े इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। नरवा गरवा गुरवा बाड़ी योजना के माध्यम से भी ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को अधिक से अधिक लाभ मिले, ये हमारी सरकार की कोशिश है, और इस योजना का आने वाले दो तीन वर्षों में इसका दिखने लगेगा। कुपोषण योजना, हमारे छत्तीसगढ़ में 5 लाख से अधिक जो कुपोषित बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उसको गर्म भोजन हम प्रतिदिन दे रहे हैं, और आगामी 3 वर्षों में राज्य कुपोषण मुक्त करने का लक्ष्य हमारा है, और इससे महिला समूहों की भी आय में वृद्धि होगी। हाट बाजार स्वास्थ्य योजना प्रारंभ किया, उसमें दूरस्थ अंचलों में हमारे जो लोग रहते हैं उसे वहाँ मेडिकल टीम हमने भेजा, और मात्र 8 महीने में ही 13,21,690 मरीजों का उपचार किया गया। पहली बार दुर्गम पहाड़ी में रहने वाले लोगों का स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिला है। वाणीगुड़ा में टाटा स्टील प्लांट 4200 एकड़ जमीन हमने वहां के आदिवासी किसानों को वापस किया है। SSG के माध्यम से आदिवासी हॉस्टल, आश्रम, क्रीड़ा परिसर एवं अन्य आवासीय परिसरों में नियमित रूप से उपयोग में लाए जाने समस्त सामग्रियों का सप्लाई महिला स्व सहायता समूह के माध्यम से किया जा रहा है। इस वर्ष 15 जून से 40 उत्कृष्ट सर सुविधा युक्त इंग्लिश मीडियम शासकीय स्कूल का संचालन किया जाएगा। आने वाले वर्षों में हमारे बच्चों को इसका निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। उसी प्रकार से मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना 7 स्थानों पर 1 जुलाई से प्रारंभ किया जाएगा। दंतेवाड़ा जिला देश का सबसे पिछड़ा जिला है, जहां 2/3 आबादी BPL श्रेणी में आते हैं। हमारा लक्ष्य है कि आने वाले 4 वर्षों में जो राष्ट्रीय औसत 20% है उसके नीचे लाने की हमारी कोशिश होगी। इस प्रकार से बहुत सारी योजना आम किसान, आदिवासी और अनुसूचित जाति वर्गों के लिए संचालित किया जा रहा है, जिसका सीधा लाभ छत्तीसगढ़ के आम लोगों को मिलेगा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इस अवसर पर किसानों को संबोधित किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और उनके सभी साथियों को मैं बधाई देती हूँ कि उन्होंने राजीव जी की भावना के अनुरूप एक बड़ा कदम उठाया है। आप लोगों ने हमें रास्ता दिखाया है और आप लोग देश को रास्ता दिखा रहे हो, तो मैं आपका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ और आपसे कहना चाहता हूँ, छत्तीसगढ़ के गरीब लोगों से, किसानों से, मजदूरों से, छोटे दुकानदारों से, बिजनेस वालों से, युवाओं से, महिलाओं से, कि हम आपके साथ खड़े हैं। जो भी हम मदद आपकी कर सकते हैं हम करेंगे, और हम आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे, चाहे कोरोना हो चाहे कुछ भी। जिला पंचायत अध्यक्ष शिवकला छत्रपाल सिंह कंवर ने चर्चा के दौरान कहा कि कांग्रेस सरकार अच्छा काम कर रही है, हमारे मुख्यमंत्री किसान गरीबों की सरकार है,
कोरोना जैसी महामारी को भगाने से हमारी सरकार व शासन सफल है, केंद्र सरकार से सही रूप से सहयोग नहीं मिल पा रहा है। आप ये बताएं, जैसे छत्तीसगढ़ में कोरोना के बारे में और किसान न्याय योजना जो लागू हुआ है उसके बारे में विस्तृत रूप से बताएं। मुख्यमंत्री द्वारा वेद बलियन जी के निर्देश से सभी जिला के कलेक्टर को कोरोना के बचाव के लिए संपूर्ण सुविधा देने के निर्देश दिए हैं, जो सभी जिलों में जिला कलेक्टर के मार्गदर्शन में दे दिए चल रहे हैं। किसान योजना के बारे में मुख्यमंत्री जी श्री भूपेश बघेल द्वारा सभी राजीव गांधी जी पुण्यतिथि में छत्तीसगढ़ के सभी किसानों के लिए राजीव गांधी किसान योजना लागू किया जा रहा है, जिससे छत्तीसगढ़ के सभी किसानों की राहत मिलेगी। हमारी सरकार किसानों एवं सभी वर्ग के प्रति संवेदनशील है। केंद्र एवं सरकार द्वारा साथ मिलकर जनता की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। कटघोरा विधायक पुरुषोत्तम कंवर ने चर्चा के दौरान कहा कि हमारी सरकार गरीबों व किसानों की सरकार है। मुख्यमंत्री ने किसान न्याय योजना पर मानवता का परिचय दिया है। हमारे द्वारा कटघोरा SDM सूर्य किरण तिवारी से मुलाकात कर लॉकडाउन में छूट की मांग की गई, जिसका असर जिला प्रशासन पर हुआ। लॉकडाउन में कटघोरा की जनता को छूट दिया गया। हमारी सरकार सदैव गरीबों व किसानों के लिए तत्पर है। हाँ, से बोल रहा था कोरबा से दयाशंकर तिवारी। अच्छा, तो कुछ चर्चा करना था ये किसान न्याय योजना और कोरोना के संबंध में। तो फ्री हैं क्या? फ्री हैं? हाँ बताइए ना। हाँ तो मेरा ये पहला क्वेश्चन था भैया, ये बताएं कोरोना से जंग में छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ सरकार की क्या भूमिका है? छत्तीसगढ़ सरकार COVID-19 से लड़ने के लिए फरवरी महीने से एक तैयारी शुरू कर दी थी, क्योंकि इसका आकलन छत्तीसगढ़ सरकार ने कर लिया था कि COVID-19 तो महामारी के रूप में फैलेगा। इसका आकलन हमारी सरकार ने अच्छी तरीके से कर लिया था, मुख्यमंत्री के निर्देश पर और माननीय स्वास्थ्य मंत्री बाबा साहब ने तैयारी बहुत पहले से शुरू कर दी। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है भैया, आपके क्षेत्र में कोरोना का क्या प्रभाव है, क्या मतलब किस टाइप से है जहाँ आपका विधानसभा है? मेरे विधानसभा क्षेत्र कटघोरा में 19 तो 27 केस मिले थे। हमारा कटघोरा हॉटस्पॉट बन गया था जी। पूरे प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग और जिला स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन और स्वयं सेवी संस्थाओं, स्वास्थ्य विभाग और सफाई कर्मियों और पुलिस विभाग ने मुस्तैदी के साथ सेवा करते हुए कोरोना वायरस को एक निश्चित दायरे में सीमित रखा। और अभी हमारे जिले में सिर्फ कोरोना नया केस मिला है और अन्य केस हमारे जिले में नहीं। अच्छा, ये बताएं कि जैसे कोरबा कटघोरा के आप कांग्रेस के विधायक है, आपकी सरकार है, तो आपके जो सरकार के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं जैसे कलेक्टर मैडम, SP, नगर निगम आयुक्त, इनके बारे में क्या कहेंगे? इन्होंने बहुत अच्छा ढंग से कार्य किया है, इस अपनी सब लोगों ने महसूस किया है, देखा भी है। तो कटघोरा कटघोरा में जैसे लॉकडाउन था तो बहुत परेशानी हुई, अब तो कटघोरा का लॉकडाउन मापदंड के अनुसार खुला है, इसके बारे में क्या कहेंगे? वही जो सुविधाओं को देने के निर्देश केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग के हैं और स्टेट गवर्नमेंट विभाग का है, उसके अनुरूप उन्होंने सुविधाएं प्रदान की है। पहले हमारा हॉट स्पॉट था, कंटेनमेंट जो था, इसलिए बहुत स्ट्रिक्टली उस एरिया को सील किया गया था। जी जी, अभी क्या स्थिति है कटघोरा की भैया? अभी स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है और जो कंटेनमेंट जोन है, बफर जोन है, उनको भी धीरे धीरे खोला जाएगा। अच्छा, ये आपके विधानसभा में मतलब क्या बोलते हैं, माइंस है, NTPC है, तो मजदूरों के हालत में, मजदूरों को आवागमन या उनकी स्थिति के बारे में क्या कहेंगे आप? हमारे जो क्षेत्र के जो सार्वजनिक उपक्रम है, चाहे SCCL हो, NTPC हो या प्राइवेट पार्क हो, बहुत ही अच्छी तरीका से जिला प्रशासन के साथ सहयोग करके अपना योगदान दे रहे और जिस जिस मदद की आवश्यकता होती है पूरे तत्परता के साथ ये अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं और अच्छे तरीके से मदद कर रहे हैं। आप भैया कटघोरा SDM को एक ज्ञापन दिए थे कि लॉकडाउन में रियायत
दिया जाए। हाँ तो उसमें क्या पहल हुआ एसडीएम मैडम? मैडम देने और कलेक्टर से बात करने के बाद तो इस सिलसिले में कार्रवाई हुई, उसके बाद 14 तारीख के बाद से 5 घंटे की छूट मिली है जो 10 वार्ड है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बताइए जैसे राहत जो पैकेज होता है, राहत योजना कटघोरा विधानसभा के जो गरीब लोग हैं उनको आपके माध्यम से क्या क्या सहयोग दिया गया दिया जा रहा है? इस लॉकडाउन के दौरान मैंने कटघोरा विधानसभा के लगभग सभी ग्राम पंचायतों का दौरा किया, वहाँ जो जो समस्याएं थी, अगर राशन की कमी है तो हमने राशन की व्यवस्था की, और भीषण गर्मी के समय में पानी की समस्या थी तो पानी की समस्याओं को हल किया मैंने अपने स्तर से भी किया, और अपने जो ACCL है इनके माध्यम से भी सामग्री मुहैया कराई। अच्छा, दूसरा भैया क्वेश्चन कि आपके सीएम साहब, हमारे सीएम साहब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, किसान न्याय योजना लागू किए हैं राजीव गांधी, स्वर्गीय राजीव गांधी के शहादत दिवस पर, तो उसमें किसानों के हित में कुछ पैकेज है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? हमारी सरकार बनने के पहले हमने छत्तीसगढ़ के किसानों से वादा किया था कि हम प्रति क्विंटल धान का समर्थन मूल्य 2500 रुपए देंगे, जो कि आप ये बात भी जानते हैं कि अगर हम 2500 रुपए पहले किसानों को देते तो जो धान खरीदी का केंद्र पर हमको पैसा नहीं मिल पाता, तो सब्सिडी मिलती चावल सब्सिडी नहीं मिल पाती, इस वजह से हमने एक रास्ता निकाला 1850 किया था केंद्र सरकार के द्वारा समर्थन मूल्य, वो तो हमने दिया, लेकिन जो बाकी की जो राशि 650 रुपया इसको हमने राजीव गांधी के नाम से एक योजना बना के राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से कल उनकी पुण्यतिथि पर हमने जो बाकी की राशि देने का हमने व्यवस्था किया है। अच्छा भैया, दूसरा ये था क्वेश्चन कि केंद्र सरकार से कांग्रेस पार्टी या आप कटघोरा के विधायक हैं तो क्या अपेक्षा है केंद्र सरकार से, मोदी जी से? भाई ये तो पूरा विश्व इस देशल महामारी से जूझ रहा है, इस समय केंद्र सरकार और राज्य सरकार को राजनीति से दूर रह करके मानव सेवा करनी चाहिए। जी जी ठीक बात। अच्छा ये बताइए जी, एक लास्ट है कि आपके बारे में जैसे और कुछ उपलब्धि, जैसे क्या मापदंड है शासन का, उसको लागू करवाने में आप पहल करेंगे? अभी कोरोना का चल रहा है, अभी फिर एक कोरोना मिल गया कोरबा में, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? भाई मैं ये कहना चाहूंगा जो शासन तो शासन के निर्देश है उसका पालन करें, सोशल डिस्टेंस फिजिकल डिस्टेंस का पालन करें, निरंतर नियमित अंतराल में अपने हाथ वगैरह धोते रहें, मास्क लगा कर हमेशा जाएं, जब भी बाहर निकले बाहर जाएं, और जो जो निर्देश है शासन के स्वास्थ्य विभाग का नियमित रूप से पालन करें और अनावश्यक भीड़भाड़ न करें, क्योंकि पूरे 144 धारा लागू है, इन सभी नियमों का पालन करें। अच्छा भैया, आपका व्हाट्सएप नंबर क्या है भैया? यही नंबर हो जिसमें आपने मुझसे बात हो रही, यही होगा 9827988883। अच्छा चलिए, अभी कहाँ है भैया लोकेशन? मैं तो दीपका में हूँ अभी। चलिए ठीक है, कोरबा अगर आना होगा तो चलिए जी मिलेंगे। ओके सर, ठीक है ठीक है। भारतीय जनता पार्टी कोरबा जिला अध्यक्ष अशोक चावलानी ने चर्चा के दौरान कहा कि कोरोना जैसी महामारी में सत्ता पक्ष व विपक्ष एक साथ है, अगर केंद्र में भाजपा की सरकार नहीं होती तो कोरोना पर नियंत्रण नहीं होता, केंद्र सरकार हमेशा गरीबों की सरकार रही है, छत्तीसगढ़ सरकार वादा करने के बाद भूल जाती है शराब के मामले में। आगमन हुआ और आगमन होने के बाद केस बहुत ज्यादा फिर खत्म हुआ, फिर एंट्री हो रहा है, इसके बारे में छत्तीसगढ़ सरकार का करानी है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए ये जो कोरोना महामारी आई है पूरे राष्ट्र में, पूरे वर्ल्ड में आई है, अगर अपन भारतवर्ष की बात करें और छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में अन्य प्रदेशों की अपेक्षा बहुत ही कम केस आए, अभी तक मेरी जानकारी के अनुसार 101 केस आए और उसमें 60 केस ठीक होके वापस आ गया और 41 अभी एक्टिव है, और बड़ी इसमें अन्य प्रदेशों की अपेक्षा में यहाँ पे ईश्वर की दया से एक भी मौत नहीं हुई, ये बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही अच्छी बात है कि छत्तीसगढ़ में इस तरह का एक भी मौत ना होना बहुत अच्छी बात है। अब कोरबा जिला भैया निवास बात है, कोरबा क्षेत्र में कटघोरा है हॉट स्पॉट बन गया, देखिए फिर अभी एक कोरोना का मरीज पाया गया इस बार में,
देखिए कटघोरा ज़्यादा छत्तीसगढ़ में अपन शुरुआत देखें तो छत्तीसगढ़ में जो जमाती लोग आए थे बाहर से मुस्लिम भाई लोग आए थे उसकी वजह से कटघोरा एक हॉट स्पॉट हो गया गर्मा और वहाँ 27 पॉजिटिव केस मिले एक ही जगह। वो किस कारण हुआ आपको भी सब मालूम है, वहाँ से बाहर से मुस्लिम भाई आए थे एक दूसरे से उन्होंने जो कार्यक्रम किए उसकी वजह से हुआ। फिर उसको प्रशासन ने तुरंत रायपुर बिलासपुर रेफर किया उनके टेस्ट किए फिर कटघोरा का सबका टेस्ट हुआ और वहाँ से सब लगभग ठीक हो गया। और कोरबा में ही जो आप बता रहे कल एक केस आया है और दिल्ली से जो ट्रेन आई थी 13 तारीख को उसमें पॉजिटिव मिला और उसको भी रायपुर बिलासपुर रायपुर रेफर किया। बताएँ जैसे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है कल राजीव गांधी का स्वागत दिवस उस पर किसान न्याय योजना लागू होने वाला है कि इसके बारे में क्या कहना है। अभी अगर आप देखें जब से भूपेश बघेल की सरकार कांग्रेस की सरकार बनी सरकार बनते समय उन्होंने यह आदेश दिया था कि हम पूरा किसानों का बोनस माफ़ करेंगे 2500 में बोनस माफ़ करेंगे लेकिन अभी तक सिर्फ 1800 रुपये दिया है उसके बाद उन्होंने कोई बोनस नहीं दी है अभी तक पूरी धान खरीदी नहीं हुई है। अच्छा क्योंकि गवर्नमेंट बनने के समय उसने पूरा शराबबंदी की थी पूरा शराबबंदी अभी उनको एक अवसर था लॉकडाउन के समय अवसर था कि पूरी शराबबंदी हो जाए लेकिन उन्होंने शराबबंदी घर घर तक पहुँचाया यहाँ तक कि सर्विस बॉय रखा है जिसका विरोध भारतीय जनता पार्टी ने किया है और ये किसानों का पैसा तो उनको तो तुरंत दे देना चाहिए उनको तो इंतजार ही नहीं चाहिए करना चाहिए कि अभी हमारे स्वर्गीय राजीव गांधी जी का शहादत दिवस है उस पर करें इसको तो पहले ही पैसा दे देना चाहिए ठीक है क्योंकि इतने दिन उनको इंतजार कराना ही नहीं आज 1.5 साल हो गए कांग्रेस की सरकार को बने इतना इंतजार इन किसानों ने किया है उसको तत्काल भी देना चाहिए। अगर अन्य पूरी इंटरनेशनल की बात करें तो कोरोना जो महामारी आई है ये तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की माननीय नरेंद्र मोदी माननीय अमित शाह की सरकार की पूरे भारतवर्ष में बहुत ही अन्य देशों से बहुत ही कम केस और उन्होंने कंट्रोल किया पहला लॉकडाउन की दूसरा लॉकडाउन की तीसरा भी चौथा उन्होंने पूरा कंट्रोल करके रखा है। जहाँ तक योजनाएं की बात है चिट्ठी पत्र की बात है प्रदेश की इस समय राजनीति नहीं करनी चाहिए कि मजदूर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। मैंने कभी पेपर में पढ़ा माननीय हमारे रेल मंत्री पीयूष गोयल जी ने साफ साफ कहा कि हमारे प्रदेश सरकार से कोई पत्र ही नहीं आया तो हम कहाँ से ट्रेन भेजे। बाकी प्रदेश वाले अभी तक 100 ट्रेनें 200 ट्रेनें 300 ट्रेनें दे दिए यहाँ तक अभी मेरे ख्याल से 3 या 4 ट्रेनें आई हुई। जब तक आप ट्रेनों को आप वहाँ पैसा नहीं भेजो तो वहाँ से ट्रेन में एक भी पत्र उन्होंने बुला नहीं दिया तो इस तरह की राजनीति नहीं करना चाहिए। और वहाँ के सेंट्रल ने तो ये बोल दिया जहाँ के जो मजदूर हैं वहाँ जाए तो आप वहाँ उनकी आप व्यवस्था करनी चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा मैंने कोरोना में पॉजिटिव बोला मैं तो ये कहूँगा कि मजदूरों को जितना जल्दी से जल्दी संभव हो वहाँ पर उनको घर तक पहुँचाने का दायित्व प्रदेश सरकार का है। जिस तरह यूपी में हमारे योगी आदित्यनाथ करें जहाँ जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ अपने बसों का प्रबंध करके ला रही उसी तरह जहाँ कांग्रेस की सरकार है सिर्फ आप माननीय प्रधानमंत्री के ऊपर बात छोड़ेंगे तो ऐसा नहीं बनता आपको भी कुछ पहल करनी पड़ेगी। ये बताएं कि जैसे जब से कोरोना का बीमारी जो है छपी है पूरे भारत देश में तब से मजदूरों का जो स्थिति बड़ा दुर्घटना एक ट्रेन से करने उसके बारे में आप उनकी सरकार देखिए ऐसा देश के प्रधानमंत्री लॉकडाउन 1 लॉकडाउन 2 में उन्होंने स्पष्ट कहा था जो जहाँ वहाँ रुके लेकिन उनकी मजदूर रुकने के लिए तैयार नहीं है। सबको ऐसा लग रहा है कि कहा महामारी होगी हम रुकेंगे तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा बाद में हमको जाने नहीं मिलेगा। अगर वो धैर्य रखते तो सबकी व्यवस्था होती। अभी आप देख रहे होंगे
विगत एक हफ्ते से धैर्य रखे तो धीरे धीरे जा रहा है। सबको रोक रहे हैं कि आप पैदल मत जाओ, वो जबरदस्ती पैदल जा रहे तो एक्सीडेंट हो गई होगा। लाखों मजदूर है, हजारों में नहीं मार रहा, लाखों करोड़ों में मजदूर पैदल चल रहे हैं, तो पैदल चलेंगे तो एक्सीडेंट हो गए। आप संयम रखें, मत चलिए गाड़ी में, जबरदस्ती गाड़ी में चल रहे हैं, ट्रकों को रोक रहे हैं, ट्रक को लूट रहे हैं, जबरदस्ती उसमें चल जा रहा है, तो ड्राइवर हेल्पर भी क्या करेगा, वो उसी से एक्सीडेंट हो रहा है। उनको लॉकडाउन में भैया क्या है, आंध्र प्रदेश की एक ड्यूटी जो पैदल चल रही थी मात्र 72-14 किलोमीटर थी, और यहाँ कांग्रेस की सरकार है और कई जो पुलिस चौकी नाका बैरियर किसी ने उसको रोका नहीं गया और भूख से वो तरफ के मर गए। इसको टीवी में जब खबर चला, आई स्टोरी बोर्ड में खबर चला, तो राजस्थान के जो सांसद मिल रहे उन्होंने बस्तर के कलेक्टर से बात करा और उसके पिताजी के गाँव में उपलब्ध के लगा, तो इसमें पूरा आलोचना हुआ इस बारे में क्या करेंगे कांग्रेस सरकार। देखिए ऐसा मैंने भी पेपर पढ़ा था, ये भी सुना था कि राजस्थान के एक सांसद ने अपने मत से 1 लाख या कितना दिया, और मैं तो चाहूँगा जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं इस तरह की कोई घटना घटती है तो उनको अपना दिल खोल के जो भी अपने मत है, अपना पैसा तो देते नहीं, अपने मत का पैसा तो उनको देना चाहिए, और राजस्थान के सांसद ने दिया तो अच्छी बात है। हम तो सबसे आग्रह निवेदन कर सकते हैं जनप्रतिनिधि, चाहे वो विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे हमारे पार्षद हो, इस समय गंदी राजनीति नहीं करनी चाहिए। इस समय जितने कोरोना के जो ये फैलाव हुआ है उसको रोकने के लिए ज़्यादा ज़्यादा सबको सही। भैया आप कोरबा में बीजेपी के जिलाध्यक्ष हैं, अनुभवी हैं, कोरोना का भी संकट टला नहीं है, तो आपके पार्टी से आपकी तरफ से कोरोना के लिए सराहनीय कार्य कर रहे हैं। देखिए हमारे प्रदेश के नेता राष्ट्रीय नेतृत्व निर्देश में, प्रदेश के निर्देश में हम लोग पूरे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए, ऑडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अभी तक मैं आपको बता दूँ कोरबा जिले में हमने 4850 खाने के पैकेट हमने बंटवाए थे कोरबा विधानसभा क्षेत्र में, लेकिन उसके बाद प्रशासन ने खाना लेना बंद कर दिया। उसके बाद हमने सूखा सामग्री बहुत बड़ी सूखा सामग्री थी, 4850 सूखा सामग्री में 5 किलो चावल, 1 किलो आटा, 1 किलो तेल, दाल, आलू, प्याज 3 किलो 2 किलो इतना हमने सूखा एक मोदी पैकेट बनाया था, वो करीब हमने 4350 दिया। आपको मैं बताते हुए ये और हमने 75,000 मास्क बांटे, 75,000 हम लोग जिले के और हमारे पार्षद लोग 75,000 मास्क बांटे और 3,500 कर सैनिटाइजर की बॉटल हमने वार्डों में दिए, और भी हमने अन्य काम किए हैं। और जिस तरह प्रदेश का निर्देश होता है हम इस कोरोना महामारी में जो भी सहयोग होगा हम पूरा भारतीय जनता पार्टी जिला मंडल नीचे के कार्यकर्ता, आपको मैं बता दूँ हमने अपने कार्यकर्ताओं का बता रहा हूँ 9,75,000 PM फंड में कार्यकर्ताओं ने भेजा, हमने मिनिमम 100 रुपये रखा था, ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी हो सके हमने 9,75,000 PM फंड में भेजा, ये हमारे कार्यकर्ताओं का पैसा, अन्य लोगों को हमने नहीं गिन पाया, जो हमारे कार्यकर्ता मंडलों के द्वारा जो हमको प्राप्त राशि मिली हमने PM फंड में डाली है, और कोरोना में जितना भी हो सके भारतीय जनता पार्टी पूरा सहयोग। लास्ट क्वेश्चन ये है, जैसे मान लीजिए कोरोना का डर चल रहा है और यहाँ जो शासकीय नौकरी में जो भी वरिष्ठ कनिष्ठ पदस्थ हैं, इसके अलावा जो व्यापारी वर्ग जिन छूटा हुआ लॉकडाउन के चलते बहुत डिस्टर्ब है, जैसे दुकान और तो ये ज्ञापन सौंपने का सिलसिला चल रहा, तो इसमें मान लीजिए आप सरकार सेंट्रल में इस नाते शासन को जिला कलेक्टर को यहाँ के छोटे छोटे व्यापारी ज्ञापन सौंपते हैं, तो लॉकडाउन में कभी मापदंड बढ़ाया जाता है कहीं तो, और ये जो जितने मरीज पाए जाते हैं तो मरीज को शहर में उनको रखा जाता है, तो शहर के बाहर रखने का मान चाहिए, तो इस बारे में देखिए आपको दो तीन प्रश्न। लॉकडाउन कोरबा जिले में प्रशासन ने अच्छा सराहनीय कार्य किया, और जहाँ तक मेरे को जानकारी 111 क्वारंटाइन सेंटर बना है, और जहाँ पे जैसी मरीज की सुविधा है मरीज, लेकिन फिर भी जहाँ तक स्टेट की बात कहें, आपने बात कही कि यहाँ की स्थिति और भी विशेष ध्यान देना चाहिए, जहाँ तक आप बात बोल रहे हैं कि छोटे जैसे अब नाई
अगर अपन शुरुआत लाइव जो दाढ़ी वाड़ी बनाते हैं उन्होंने 2 दिन के लिए चालू कराया करें, उन्होंने फिर बंद करा दिया, वो बेचारे बंद करा। इसी तरह फल वाले सब्जी वाले जो छोटे दुकान मानो फल सब्जी छोटे दुकानदार हैं, इनका प्रदेश सरकार इसका कुछ ना कुछ हल निकालना चाहिए। छोटे जो गुमटी लगाते हैं वो दुकान उनकी बंद हो गई, छोटी मोटी होटलें बंद हो गई, पान ठेले बंद हो गए, इनके लिए प्रदेश सरकार को कुछ न कुछ राहत देनी चाहिए, कुछ न कुछ ऐसा रोजगार देना चाहिए क्योंकि उनके भी उनका भी भरण पोषण उनके परिवार में भरण पोषण चले। और हम तो प्रदेश के लिए उनकी भी हम सूची बना रहे हैं कि कौन ऐसा हुआ। कल ही हमको एक ज्ञापन मिला श्रीवास समाज का कि हमको 5,000 रुपये भत्ता चाहिए परिवार, आज वो 2 महीने से घर में बैठा है, 2 दिन चालू के दिन बंद कर दी। प्रशासन को भी सोचना चाहिए, या तो चालू नहीं करना था, आप धान दुकान चालू कर रहे हो, धान दुकान टाइम बढ़िया चालू कर रहे हो, लेकिन उनको भी 2-3 घंटे की छूट दो, ठेले वालों की छूट दो। तो ये प्रशासन प्रशासन का काम है और प्रदेश सरकार का काम है कि उसकी व्यवस्था सुचारू रूप से कर सकते। वरिष्ठ भाजपा नेता देवेंद्र पांडे ने चर्चा के दौरान मोदी सरकार कोरोना जैसी महामारी पर गंभीर है, पूरे देश में संकट है, केंद्र सरकार हर राज्य के साथ खड़ी है, छत्तीसगढ़ सरकार जो वादा करती है वो पूरा नहीं करती, दारू बेचने के मामले में कोरोना से जंग में छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ सरकार की क्या भूमिका है? निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की जो शासन प्रशासन और छत्तीसगढ़ में जो सरकार है वो निर्णय उन्होंने लेने में त्वरित किया है, उसका एक अच्छा प्रभाव देखने को मिला है। और मैं समझता हूँ इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रूप सांसद जो बैठे हैं जो जिले के जो निखा के दायित्व निर्वाह उनका भी एक अहम हिस्सा है, जिन्होंने तुरंत निर्णय लेकर के और लॉकडाउन को जो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने प्रथम लॉकडाउन का जो घोषणा की थी उसको लागू कराने में दृढ़ता दिखाई है, उसी का परिणाम है छत्तीसगढ़ में। मुख्यमंत्री की क्या मुख्यमंत्री का यहाँ पर जो प्रदेश के नेतृत्व कर रहे हैं उन्होंने कोरोना के बारे में निश्चित रूप से जो दृढ़ता दिखाई है निश्चित है उसके लिए तो बोला जा सकता है अच्छा कार्य किया। छत्तीसगढ़ के कोरबा में आप कोरबा में निवास करते हैं, कटघोरा हॉट स्पॉट बना था, तो उस समय की स्थिति आपकी स्थिति बारे में क्या है? कटघोरा हॉट स्पॉट जैसे बताते हैं कि हम जो जानकारी आई थी जैसे मुस्लिम लीग की जो सदस्य यहाँ पर कटघोरा में आए थे और जिसके कारण से एक सदस्य पाया गया था, उसके बाद उसमें जो और भी जो संपर्क में आए या उनका कोई दुकान को नहीं मिलते थे जिसका मैया में उस समाज को लोग गए थे, इसके कारण से काफ़ी माने रोग बढ़ना कारण हो गया था और उसका काफ़ी प्रभाव देखने को मिल रहा था। लेकिन जिस तरह से कोरबा जिले के प्रशासन ने या प्रशासन ने विशेष यहाँ के पुलिस अधिकारी ने तत्परता दिखाई हो या जो जिलाधिकारी हो निश्चित ही प्रशासनिक काम है जिसके कारण से अभी क्या भैया किसान छत्तीसगढ़ सरकार किसान न्याय योजना कल राजीव गांधी का शहादत दिवस है उसमें किसान न्याय योजना कल लागू करने वाले आप बीजेपी के वंश नेता हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए किसान न्याय योजना जैसे हम हमारे छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जो हैं ये तो घोषणा बहुत पहले कर चुके थे कि हम सरकार में आएंगे, जब सरकार में थे तो हम यहाँ पर 2500 रुपया धान के क्विंटल किसानों को देंगे। अब धान अभी बिक गया, आज 8 महीना होने जा रहे हैं, 7 महीने होने जा रहे हैं, धान बिक गया, धान का अभी 2500 रुपया उनको पैसा नहीं मिला और उन्होंने बोला था कि 2 साल के पहले पूरे सरकार ने बोनस भी दिया था उसको भी हम देंगे बोले थे, तो जो अपना घोषणा किए थे 2500 रुपया वही अभी तक नहीं दे पाए, जबकि उनको उसी समय दे देना था 2500 रुपये के रेट में। फिर उन्होंने केंद्र सरकार को हम नहीं दे रहे हैं और उन्होंने कहा कि हमारे जो 2500 रुपये किसान 2500 रुपये धान पर देना है वो हम केंद्र सरकार से मांग रहे हैं वो दे नहीं रहे हैं, ये केंद्र से आरोप प्रत्यारोप लगाना ये तो मैं समझता हूँ कि जब उन्होंने घोषणा किया था केंद्र सरकार पूछे तो घोषणा नहीं किया, ये कहना गलत है कि हम किसान योजना लागू कर रहे हैं, आप 2500 जो घोषणा किए थे उसी को दीजिए और आप अपना जो 2 साल के किसानों को जो बोनस आपको घोषणा किया उस घोषणा को आप दीजिए, तब किसान योजना लागू हो उसके बाद क्या करेंगे वो
सुल्तान है, जिला मिनिस्टर है, सारे लोग मिलकर के इतना मेहनत करके बहुत कंट्रोल कर लिया था पूरा। इन्होंने जिस तरह से स्टडी दिखाया था ये बहुत चिंता के विषय है। और वो भी दूसरे जगह से दिल्ली से आया है, वो बच्चा आया है, उसमें कोरोना का लक्षण पाया गया है, ये कोरोना के लिए बहुत चिंता का विषय है। जैसे प्रदेश में भी आज की डेट में जैसे जानकारी है कि लगभग 43 लोग एक्टिव मेंबर हैं, तो मैं तो कहूँगा हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री को, जैसे मुख्यमंत्री जी बोलते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में कोरोना हमने कंट्रोल कर लिया है, उसके बाद बढ़ना चालू हो जाता है। ये भी एक बड़ा विडम्बना है, व्यापारी हो, कर्मचारी हो, मजदूर हो, ऊंचा वाले हुए, किसान हुए, जिस 1.25 साल डेढ़ साल होने जाना है, कहीं दूर दूर तक शराब बंदी का और उल्टा बल्कि उन्होंने शराब को ठेका में दे दिया, एक निश्चित ही इसी को उनको मदद पूरा करने से। यही बताएं, जैसे मान लीजिए नीतीश सरकार संघ सरकार पर हमेशा आरोप लगा रहा है, मैंने सब होती हूँ इस बारे में कोई सरकार बढ़िया इसके बारे में बात करना। ये जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है, आज मैं क्या कहूँगा, तो निश्चित रूप से जो उसकी केंद्र में सरकार रहती है, सरकार वो आरोप लगाना स्वाभाविक है, इसमें कुछ नहीं। अच्छा भैया बताइए, आप कोरबा में निवास करते हैं, कोरबा में खुद कोरोना का एंट्री हुआ तो कहाँ मतलब क्या सुना है? ये बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर कोरबा जिले में उनके शासन उसी के परिणाम से यहाँ कोरबा में बहुत कंट्रोल कर दिए थे, कोरबा छत्तीसगढ़ के पूरा विश्व में जानने लग गए थे, कोरबा है कहाँ पर इतना ज़्यादा, तो कोरबा में निश्चित रूप से चिंता का विषय है। लेकिन मुझे विश्वास है कि यहाँ लोग काफ़ी जागरूक हैं यार, और इसको भी जिस तरह से मिला है उसके भी जो उनकी जागरूकता है वो भी इसमें प्रभाव पड़ेगा। स्थिति बदतर है, लास्ट क्वेश्चन, लॉकडाउन से तो सबको प्रभाव पड़ा है, उससे सबसे जो ज़्यादा प्रभाव पड़ा है जो डेली काम करने वाले मजदूर हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उन लोग एक हफ्ता या दो हफ्ता बैठ के तीन हफ्ता बैठ के या काम चला सकते हैं, लेकिन जहाँ एक एक महीना दो दो महीना तीन तीन महीना उनको बिठा के रखना ये बहुत दूर की बात है और असंभव से प्रेरित होता है। रोजगार तो मिलनी चाहिए, रोटी का अवसर है, वैसे भी आगे एक निर्मित क्षेत्र होता है उनका, उस घर के अंदर रहना उनके लिए बहुत असंभव होता है, इसलिए मजदूर बहुत परेशान हैं। और वरिष्ठ भाजपा नेता देवेंद्र पांडे ने चर्चा के दौरान मोदी सरकार कोरोना जैसी महामारी पर गंभीर है, पूरे देश में संकट है, केंद्र सरकार हर राज्य के साथ खड़ी है। कांग्रेस नेता हाजी इकलाक खान ने चर्चा के दौरान कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार अच्छा काम कर रही है, मोदी सरकार सहायता नहीं कर रही है, जिसके चलते देश के मजदूरों की हालत दयनीय है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के आह्वान पर देश के सभी कांग्रेसी नेता मजदूरों व किसानों के साथ खड़े हैं। नमस्कार, हाजी इकलाक खान, युवा कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष। अच्छा सर, कुछ चर्चा करना था कोरोना से जंग में छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ सरकार की भूमिका क्या है? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो मैं छत्तीसगढ़ वासियों को मुबारकबाद इस बात की देना चाहता हूँ कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी के अथक प्रयास से और उनके अधीनस्थ जितने भी सरकारी महकमे जिला कलेक्टर SP एवं हमारे जो इसके स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी साफ सफाई जिन लोगों ने अथक प्रयास किया और हम एक समय कोरोना पर पूरी तरह से विजय हासिल कर लिए थे, लेकिन आज की डेट में कोरोना में करीब टोटल 100 पेशेंट हुए हैं, जिसमें 59 तो ठीक हो चुके हैं, 41 पेशेंट बचे हुए हैं। लेकिन ये जो पेशेंट हमारे बढ़े हैं, जो मरीज बढ़े हैं कोरोना के लिए, ये जो हमारे प्रदेश के लोग जो दूसरे देशों में थे, दूसरे प्रदेशों में थे, जैसे गुजरात में थे, महाराष्ट्र में थे, UP में थे, कश्मीर साइड के थे, उनके आने से ये चीज़ें बढ़ी हैं।
और हमको पूरी उम्मीद है कि हमारे माननीय भूपेश बघेल जी इस पर भी पूरी जिम्मेदारी के साथ गहन विचार विमर्श करते हुए इस पर भी हम विजय हासिल करेंगे। एक चीज़ आपको बता दूं मैं कि ये चीज़ें आदमी का लक्षण दिखता है कि आदमी को गरीबों का दुख दर्द उनके दिल में कितना है। आज तक बताइए मेरे पूरे देश हिंदुस्तान में कोई ऐसा मुख्यमंत्री हुआ है जिन्होंने कहा कि भाई हमारे प्रदेश में किसी भी प्रदेश के जिले के लोग अगर आ रहे हैं तो मैं उनको चप्पल जूते दूंगा पहनने के लिए। ये बहुत बड़ी बात है। मैं इस बात से मानता हूँ कि ये होता है गरीबों का मसीहा, खाली बात से नहीं बनते हैं, कुछ करना पड़ता है। हमारे माननीय भूपेश बघेल जी एक गरीब परिवार से हैं और उनको मालूम है गरीबी क्या चीज़ होती है। गरीबी को बहुत नजदीक से देखे हैं और उस पर वो काम कर रहे हैं। किसान का न्याय योजना जो कल लागू होने वाला है स्वर्गीय राजीव गांधी के साथ उस पर, उसके बारे में आपका क्या कहना है, परिश्रम नहीं करता है। देखिए हमारे माननीय भूपेश बघेल जी जब सत्ता में आए उसी समय से उनके अंदर में किसानों के प्रति ये था कि वास्तव में 15 साल के समय तक किसान पूरी तरह छला गया है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में किसानों को एक नहीं सुनी गई और किसान मतलब मजबूर हो गया मानने के लिए। तो ये दुख दर्द चुको किसान बेटा है, हमारे सीएम साहब किसान बेटा है, किसान पुत्र है, उनको मालूम है किसानों की तकलीफें क्या है। इसलिए उन्होंने आने के बाद कल जो हमारे राजीव गांधी प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री का जो शहादत दिवस है उस पर उन्होंने जो 57,000 करोड़ रुपया जो किसानों को देने जा रहे हैं, मैं समझता हूँ कि यही असली किसानों के लिए उनको जो फायदा पहुँचाने की बात है। ये हम इस बात से कह सकते हैं कि हमारे माननीय भूपेश बघेल जी किसानों के मसीहा हैं। अच्छा महोदय ये बताएं कि केंद्र सरकार से आपको आपकी पार्टी को क्या अपेक्षा है। देखिए हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय हमारे जो हमारे देश तरह तरह की घोषणाएं करा रहे हैं, इसमें हमारे पूर्व अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राहुल गांधी जी ने बहुत अच्छी बात बोला कि आज जरूरत है लोगों को मदद करने की, ना कि आप मेला लगाइए बोलिए कि हम ये करने जा रहे हैं, करने जा रहे नहीं, करने की जरूरत है। आज गरीबों के पॉकेट में पैसे की जरूरत है, गरीबों के पॉकेट में पैसा दीजिए जिससे जो भूखे मर रहे हैं कम से कम अपना परिवार चलाए। आज आप देख रहे हो हर जगह हर प्रदेश से लोग आ रहे हैं, पैदल आ रहे हैं, किस तरह से कोई रास्ते में मौत हो जा रहा है, कोई रास्ते में एक्सीडेंट हो रहा है। जो आज हमारे राष्ट्र के निर्माता हैं, आज मजदूर वर्ग से ही हमारा देश बना है और कहीं ना कहीं उनकी कुर्बानी जो हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी के दिल में इस बीच का दुख दर्द है, तभी उन्होंने कहा है कि आप इस पर राजनीति ना करिए बल्कि आप उनको सीधे सीधे उनको फायदा पहुंचाइए। अभी राहुल गांधी जी बोले हैं लोन वाली बात पर, उस पर क्या, उस पर क्या कहें। देखिए लोन की बात यह है कि आप लोन के लिए खाली मेला लगाएंगे उससे आपका समस्या का समाधान नहीं होता है। आप लोन के लिए डायरेक्ट आप बैंकों को दीजिए। अभी मैं खुद आज जानकारी लेने गया था बैंकों, मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि मैंने खुद जानकारी लेने गया कि भाई RBI से क्या गाइडलाइंस आया है। भाई माननीय वित्त मंत्री ने आज कम से कम 3-4 दिन 5 दिन हो गया उनको बताए हुए, बैंक के बोले तो भैया हमको कोई गाइडलाइंस अभी तक नहीं आया। तो ऐसा लोग कैसे, आज हम मर रहे हैं, आज हमको भूख की जरूरत है, आज हमको खाने की जरूरत है और पता चला कि हमारे मरने के बाद लोन मिलेगा, हमारे मरने के बाद व्यवस्था बनेगी, क्या फायदा है इसका। निश्चित तौर पर इसमें जो विसंगतियां हैं हमारे केंद्र सरकार को उसको दूर करना चाहिए। ये राजनीति का समय नहीं है। आज हमारे देश में जो भयावह स्थिति बनते जा रही है, आज बताइए मेरे को कि जिस समय 400-500 पेशेंट थे उस समय तो इतनी तरक्की बनाया गया, लॉकडाउन लगाया गया, आज पर डे 5,000-5,500 पेशेंट आ रहे हैं, मतलब दिन पर दिन स्थिति बिगड़ते जा रही है। तो उसके लिए हमको सोचना ही पड़ेगा। सर लॉकडाउन के चलते बहुत सब सरकारी संस्था है, सरकारी संस्था है, प्राइवेट संस्था है, बंद हो गई। सब शासन से डिमांड कर रहे हैं, जैसे अपना नई समाज, ऑटो समाज, सब समाज कि यहाँ कुछ मापदंड करके सब खोला जाए, इसके बारे में क्या कहेंगे। देखिए क्या है, तो सही बात है कि जो ऑटो चलाता है बेचारा सुबह शाम तक मेहनत करता है तो 2 वक्त की रोटी कमाता है, और नई समाज है उनकी भी दुख दर्द हम लोग मालूम है। तो कुछ मापदंड के अनुसार हमारे सीएम साहब जो उस पर बहुत विचार विमर्श कर रहे हैं और निश्चित तौर पर हमको मालूम है कि 1-2 दिन के अंदर में फैसला हो जाएगा कि उनकी भी दुकानें खुलेगी। और देखिए दुकान खोलना, पैसे नाई समाज को कमाना एक अलग मैटर, लेकिन हमारे प्रदेश के मुखिया
माननीय भूपेश बघेल जी के दिल में कहीं ना कहीं दर्द है कि कहीं कोई ऐसा ना हो कि दुकान पर जाएगा और चेहरा बनवाएगा, बाल कटवाएगा, उसके वजह से कोरोना फैल न जाए। अभी सबसे बड़ी समस्या हमारे कोरोना, कोरोना पर कैसे हम रोकथाम करें, किस तरह से जो लेबर क्लास आए हैं उनसे जो कोरोना तेजी से फैल रहा है उसको कैसे रोकें, ये बहुत बड़ी समस्या है। और इस पर हम ये चाहते हैं कि हमारा जो देश में जो हमारे छत्तीसगढ़ का जो स्थान है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से, और चूँकि रमज़ान का महीना चल रहा है और आखिरी रमज़ान में हम लोग हैं, और इसमें हम लोगों का है कि जो ईश्वर से जो चीज़ें मांगते हैं ईश्वर उसको पूरा करता है, तो मैं यही चीज़ मांगता हूँ कि भगवान अल्लाह खुदा कम से कम इस रमज़ान के पवित्र महीने में छत्तीसगढ़ में इस कोरोना की बीमारी से किसी की मौत ना हो, यही मेरी अल्लाह से भगवान से प्रार्थना है। धन्यवाद। असली किसानों के लिए उनको जो फ़ायदा पहुंचाने की बात है, ये हम इस बात से कह सकते हैं कि हमारे माननीय भूपेश बघेल जी किसानों के मसीहा हैं। अच्छा महोदय, ये बताएं कि केंद्र सरकार से आपको या आपकी पार्टी को क्या अपेक्षा है? देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय हमारे जो हमारे देश तरह तरह घोषणाएं करा रहे हैं, इसमें हमारे पूर्व अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राहुल गांधी जी ने बहुत अच्छी बात बोला कि आज जरूरत है लोगों को मदद करने की, ना कि आप मेला लगाइए बोलिए कि हम ये करने जा रहे हैं, वो करने जा रहे नहीं, करने की जरूरत है। आज गरीबों के पॉकेट में पैसे की जरूरत है, गरीबों के पॉकेट में पैसा दीजिए जिससे जो भूखे मर रहे हैं कम से कम वो अपना परिवार चलाए। आज आप देख रहे हो हर जगह हर प्रदेश से लोग आ रहे हैं, पैदल आ रहे हैं, किस तरह से कोई रास्ते में मौत हो जा रहा है, कोई रास्ते में एक्सीडेंट हो रहा है, जो आज हमारे राष्ट्र के निर्माता हैं, आज मजदूर वर्ग से ही हमारा देश बना है, और कहीं ना कहीं उनकी कुर्बानी जो हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी के दिल में इस बीच का दुख दर्द है, तभी उन्होंने कहा है कि आप इसमें राजनीति ना करिए बल्कि आप उनको सीधे सीधे उनको फायदा पहुँचाइए। राहुल गांधी जी बोले हैं लोन वाली बात पर, उसका क्या, इस पर क्या कहना? देखिए, लोन की बात यह है कि आप लोन के लिए खाली मेला लगाएंगे उससे आपका समस्या का समाधान नहीं होता है। आप लोन के लिए डायरेक्ट आप बैंकों को दीजिए। अभी मैं खुद आज जानकारी लेने गया था बैंकों, मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि मैंने खुद जानकारी लेने गया कि भाई RBI से क्या गाइडलाइंस आया है। भाई माननीय वित्त मंत्री ने आज कम से कम 3-4 दिन 5 दिन हो गए उनको बताए हुए, RBI बैंक के बोले तो भैया हमको कोई गाइडलाइंस अभी तक नहीं आया, तो ऐसा लोन कैसे? आज हम मर रहे हैं, आज हमको भूख की जरूरत है, आज हमको खाने की जरूरत है, और पता चला कि हमारे मरने के बाद लोन मिलेगा, हमारे मरने के बाद व्यवस्था बनेगी, क्या फायदा है? निश्चित तौर पर इसमें जो विसंगतियां हैं हमारे केंद्र सरकार को उसको दूर करना चाहिए, ये राजनीति का समय नहीं है। आज हमारे देश में जो भयावह स्थिति बनते जा रही है, आज बताइए मेरे को कि जिस समय 400-500 पेशेंट थे उस समय तो इतनी तरक्की बनाया गया, लॉकडाउन लगाया गया, आज पर डे 4-5 हज़ार 5.5 हज़ार पेशेंट आ रहे हैं, मतलब दिन पर दिन स्थिति बिगड़ते जा रही है, तो उसके लिए हमको सोचना ही पड़ेगा। पाली तनाखार विधायक मोहित राम केरकेट्टा ने चर्चा के दौरान कहा कि कोरोना महामारी से निपटने में भूपेश सरकार सफल है। किसान व गरीबों के हित के लिए स्वर्गीय राजीव गांधी के शहादत दिवस पर किसान न्याय योजना लागू कर रही है। कोरोना से, कोरोना के जंग में छत्तीसगढ़ सरकार की क्या भूमिका है? छत्तीसगढ़ का हमारे सरकार माननीय भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री जी हैं, जी जो कि कोरोना के विषय में काफी गंभीरता पूर्वक सावधानी बरतवाए हैं, गांव को, शहर को, प्रतिनिधि को, अधिकारियों को, प्रशासन शासन सबको। अच्छा। और आज इसी के प्रणाम है छत्तीसगढ़ में, जी जी, एक भी ऐसा कोई कोरोना का घटना बड़ा घटना नहीं हुआ है। और जो मैगजियम समझिए कि अच्छा 10 दिन के अंदर कोई और किसी को कोरोना पाया गया, जी जी, तो गया तो के अंदर में जी जी कहीं इलाज होकर अपना घर वापस हो गया। अच्छा भैया, दूसरा यह है, दूसरा भैया ये है कि आपके क्षेत्र में कोरोना का प्रभाव कैसा है पाली विधानसभा क्षेत्र में? बिल्कुल, मेरे यहाँ पाली विधानसभा में तो बिल्कुल एक भी नहीं है, एक भी नहीं है ना। चलिए, और जंगल का इलाका होने के नाते हमारे छत्तीसगढ़ के सभी भाई लोग, जी जी, ग्रामीण एरिया कहिए या जंगल एरिया कहिए, हमारे इस एक ईश्वर की वरदानी है जो पूर्व से ही लोग
फल फूल खाना खा करके तंदुरुस्त हैं और उस प्रकार कुछ भी घटनाएं नहीं हो सकती। दूसरा भैया कि जैसे कल राजीव गांधी का शहादत दिवस है, उस पर हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री किसान न्याय योजना का मतलब प्रारंभ करेंगे, इसके बारे में आपका क्या विचार है? हमारे देश के हमारे जो देश के लिए अपना खून जो बहाया है हमारे स्वर्गीय राजीव गांधी जी का, तब जो किसान का हो रहा है 11 बजे हमारे कोरबा में भी है जी। ये हमारे लिए बहुत बड़ी महत्वपूर्ण चीज है कि जो जिसने हमारे पूरा भारत देश के लिए अपना खून बहा करके बलिदान दिया और संदेश दिया कि भारत देश का हमारे सभी जनता सभी हमारे वर्ग के लोग को एक नजर से देखते हुए वो सम्मान देते थे। अच्छा नेक्स्ट है भैया की सम्मान करते हैं जी जी जी। केंद्र आपकी क्या अपेक्षाएं हैं, आप विधायक हैं पाली विधायक? केंद्र सरकार से तो मैं ये अपेक्षा करूंगा कि अभी कोरोना के जंग में जो सम्मानित हमारे देश के प्रधानमंत्री जी अपना बड़ा एक संदेश देते हैं कि सावधानी के लिए डिस्टेंस बनाकर रहें और अपने आप को सुरक्षित रखें, घर में रखें। अच्छा भैया आप अच्छी सोच होगी, बस हम चाहते हैं कि गरीबों को जो आज हम देख रहे हैं वो तो सड़क में आ रहे हैं, पैदल आ रहे हैं, गिर रहे हैं, एक्सीडेंट में मर रहे हैं, इसका भला एक प्रधानमंत्री जी एक अच्छा एक रास्ता निकाल लेते तो हमारे भारत देश के सभी जो मजदूर हैं जो उनके वोट से आज देश का मुखिया बनता है, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री मंत्री विधायक बनते हैं, तो उनको सांत्वना मिलना चाहिए, उनको मदद मिलना चाहिए, ये मेरा जी। दूसरा एक था लास्ट था भैया, जैसे मान लीजिए कोरोना वायरस का कहर चल रहा है, फिर कोरबा में एक पॉजिटिव पाया गया, मजदूरों की स्थिति के बारे में क्या कहेंगे आप? अब ऐसा है कि मजदूरों हर जगह कहीं ना कहीं लोगों से आने जाने में भीड़ भड़ाका में रहे, तो उसमें से एक आध तो भूल तो हो जाता है कि इधर संख्या में कोई कहीं और जा रहे हैं जी। ये उसका भी समस्या हल तत्काल क्वार्टराइज कर देते हैं हमारे जो शासन प्रशासन में उसके ऊपर ख्याल करते हुए, और ऐसा नौबत नहीं आएगा मेरे ख्याल से कोरबा जिला में हमारे, एक दो आ गया लेकिन ये भी जल्दी उसका भी इलाज हो जाएगा। चलिए थैंक यू, थैंक यू भैया, ओके। कोरबा के महापौर राजकिशोर प्रसाद ने कोरोना से लेकर किसान न्याय योजना तक सभी बिंदुओं पर हमारे संवाददाता से विस्तार से चर्चा की। सर ये बताएंगे अभी छत्तीसगढ़ में हमारे किसान योजना देखिए, भारत पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी के शहादत दिवस 23 तारीख को है। इस दिवस के हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय भूपेश बघेल जी के द्वारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना प्रारंभ की जा रही है। राजीव गांधी जैसा आप जानते हैं पंचायती राज व्यवस्था के बहुत ही सार्थक समर्थक थे और उनका ये मानना था कि हमारे देश के समाज के अंतिम छोर तक के व्यक्तियों को शासन की हर योजनाओं का लाभ मिले, पंचायती राज का गठन का सपना भी देखने वाले और उसी को संविधान संशोधन के माध्यम से लागू करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका और अच्छी सोच रही है। तो इसी के दिशा में हमारे छत्तीसगढ़ की सरकार भी जो हमारे अन्नदाता भाइयों का और समाज के गरीब तबकों के सभी वर्गों तक उनके हितों के संरक्षण में जो संवेदनशीलता का परिचय पहले दिया है, उसी कड़ी में ये भी एक सराहनीय कदम है। मैं इस योजना का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और इसमें जैसा कि इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के लगभग 19 लाख किसान भाइयों के खाते में 5700 करोड़ रुपए की बहुत बड़ी रकम जो 4 किस्तों में हमारे सभी अन्नदाता भाइयों के खाते में डायरेक्ट जमा होनी है, तो ये बहुत ही सराहनीय कदम है। मैं इस योजना को लागू करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री को, उनके मंत्रिमंडल के सभी माननीय मंत्रियों को बहुत बहुत बधाइयां देता हूँ और इस योजना के जो क्रियान्वयन होंगे कल
21 तारीख को जो लॉन्चिंग होगी उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी को कुछ जनप्रतिनिधियों को भी उसमें उपस्थित रहने को कहा गया है। तो जैसे निर्देश मिलेगा उसके उससे योजना के पालन में अनुपालन में क्रियान्वयन में जो भी सहयोग जो भी जिम्मेवारी मिलेगी उसको हर आदमी बखूबी निभाने का प्रयास करेगा। सवाल है कि मजदूरों का कोरोना के समय के ऊपर में संकट आ गया और सुनिए अभी और आपकी सरकार ने अच्छा पहल कर मजदूर कल्याण के लिए आपने खर्चे जिसके बारे में अंतिम प्रश्न देखिए प्रदेश सरकार पहले से ही जैसा कि मैंने बताया ना कि सभी लोगों के लिए हितों के संरक्षण में जो संरक्षण शिक्षा की सुधार प्रस्तुत करती है उसी दिशा में इस कोरोना संकट काल में बहुत से हमारे मजदूर दूसरे प्रदेशों में फंसे हुए थे लॉकडाउन के कारण वहाँ काम धंधे बंद हो गए तो उनको लाने के लिए शुरू से प्रयासरत है और कोरबा जिले में भी सूची पूरी बनाई गई और उनको लाने के लिए प्रयास किया गया और लाने के बाद यहाँ उनके लिए नियमानुसार क्वारंटाइन में भी रखे जाएंगे उनके भी तो अभी जितने क्वारंटाइन सेंटर बने हुए हैं तो प्रवासी मजदूर आज वहाँ पर हैं उनकी सारी व्यवस्था हम जिला प्रशासन नगर निगम ये सभी के तरफ से बहुत अच्छा हो रहा है और इसमें भी हमारे मंत्री जयसिंह अग्रवाल जी के द्वारा हमेशा इसकी खोज खबर ली जाती है और व्यवस्था पर पूरी नज़र उन्होंने बनाया हुआ है कि कहीं भी किसी को इस तरह का तकलीफ नहीं हो सके। हमारे नगर निगम के भी सारे अमले ने इस पूरे कोरोना काल में राशन बांटने का हो सैनिटाइजेशन करने का हो मास्क वितरण का हो या और भी जन सुविधाओं जिसकी आवश्यकता पड़ी है हमारे सभी जनप्रतिनिधि सारे पार्षद साथी सारे निवासी के मेंबर माननीय राजस्थान आपका प्रधानमंत्री के द्वारा दिए गए सारे जनप्रतिनिधियों का पालन करते हुए बड़े सेवा भाव से काम किया है और कोरोना में अच्छा स्थिति हम मान रहे हैं। सेवा के लिए आप और सरकार साफ सुथरा से कोरोना से जंग में छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ सरकार क्या भूमिका इसके बारे में देखिए कोरोना जब वैश्विक महामारी के रूप में पूरे विश्व में फैली हुई है तो जो भी डाटा आप सभी को मीडिया के माध्यम से देखने को मिलता है उसमें मैं समझता हूँ कि छत्तीसगढ़ प्रदेश की स्थिति बहुत ही संतोषजनक कही जाएगी। हमारे प्रदेश के सबसे मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी ने शुरू से ही इस पर अपनी पैनी नज़र रखी और कोरोना के संक्रमण के चैन को तोड़ने में जो शुरू से ही उनके द्वारा कदम उठाए गए ये उसी का परिणाम है कि पूरे प्रदेश भर में संक्रमितों के आंकड़े भी कम मिले हैं और ईश्वर की कृपा से अभी तक कोई डिसीज के सामने नहीं आया। नगर निगम क्षेत्र में देखिए स्टार्टिंग से ही जो पहला लॉकडाउन चालू हुआ उस समय से ही जो हमारे राजस्व आपदा प्रबंधन मंत्री जयसिंह अग्रवाल जी इससे खास करके कोरबा के लिए शुरू से ही इतने चिंतित रहे हैं और पूरे कोरोना काल में डेली पूरे निगम क्षेत्र की बल्कि पूरे जिले के सभी गतिविधियों पर अपनी पैनी नज़र बनाए हुए थे। अभी भी डेली सभी गतिविधियों से अपडेट रहते हैं और समय समय पर जो गाइडलाइंस जारी किए गए या केंद्र सरकार से हो या प्रदेश सरकार से हो या जिला प्रशासन से हो उन गाइडलाइंस को पालन करवाने में भी सभी ने हमारे मंत्री जी के निर्देश पर अच्छा उसका अनुपालन किया और मैं समझता हूँ कि यही वजह है कि कोरोना का संक्रमण बहुत ही सीमित रहा।